नमस्कार दोस्तों, मैं अनुराग तनवर और स्वागत है आपका आज डिजिटल गाइड में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम सिस्टम की परफॉर्मेंस इंक्रीज़ करने के लिए सिस्टम्स के दो टूल्स देखेंगे कि किस तरह से हम उनको यूज़ कर सकते हैं और अपने सिस्टम की परफॉर्मेंस इंक्रीज़ कर सकते हैं। दोस्तों, इसके अलावा आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं इस तरह की वीडियोज़ अभी और आती रहेंगी। अभी सिस्टम की परफॉर्मेंस इंक्रीज़ करने के लिए कम से कम दो वीडियोज़ और आएंगी, और उसके अलावा आगे फिर हम दूसरी देखेंगे किस तरह से हम सॉफ्टवेयर्स वगैरह एंटीवायरस और ये किस तरह से हम यूज़ कर सकते हैं अपने सिस्टम को वायरस और मेलवेयर और एडवेयर से इंटैक्ट रखने के लिए। तो चलिए देखते हैं आज के बारे में। सबसे पहले हम जो सिस्टम में जो ऑल्ट कंट्रोल डायल होते हैं उसको प्रेस करेंगे, टास्क मैनेजर में जाएंगे, टास्क मैनेजर के अंदर स्टार्टअप होता है, स्टार्टअप पर क्लिक करेंगे। इसमें हम देखेंगे स्टेटस वाले, इसको हम एक बार क्लिक कर देंगे तो ये जो इनेबल होंगे वो सारे ऊपर आ जाएंगे जिस तरह से आ गए। और इसमें हम देख सकते हैं कि कुछ प्रोग्राम्स ऐसे हैं जो हमने इंस्टॉल किए हुए हैं, जैसे स्काइप हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हमने इंस्टॉल किए हुए हैं, तो इनको हम स्टार्टअप से डिसेबल कर सकते हैं ताकि ये जब भी सिस्टम आपका ऑन हो ये हर बार मतलब ऑटोमेटिकली रन ना हो। जैसे सिस्टम कंपोनेंट हमने ये भी बंद कर लिया है, इसको सी क्लीनर को हमने बताया था कि जैसे सिस्टम की परफॉर्मेंस अप करने के लिए इसको आप इनेबल रखें, और जब एक बार आपका सिस्टम लोड हो जाए और ये एक बार रन हो जाए तो आप उसको एग्जिट कर सकते हैं स्टार्ट मेन्यू से। यहाँ पे शो हो जाता है, यहाँ से आप इसको एक बार एग्जिट कर सकते हैं। तो इसको हम कर देते हैं, ये गूगल जो होता है इसका क्रोम का अपडेटर होता है, इसको आप ब्लॉक कर सकते हैं या चल सकते हैं, करा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो बाकी ये सिस्टम्स के टूल होते हैं जिनको हम डिसेबल नहीं करेंगे, ये वाले, तो इनको चलने देते हैं। ये सिस्टम की परफॉर्मेंस इंक्रीज करने में, तो क्योंकि सिस्टम लोड जल्दी होता है इससे अगर आप अननेसेसरी प्रोग्राम्स डिसेबल रखेंगे। इसके अलावा हमें एक सिस्टम की परफॉर्मेंस वाला ये ऑप्शन होता है टैब पे, सिस्टम परफॉर्मेंस, इसमें हम चेक कर सकते हैं कि सीपीयू की परसेंटेज क्या चल रही है, यूज़ हो रहा है जो सिस्टम। मेमोरी हम देख सकते हैं, इसमें हमें पता चल जाता है कि सिस्टम की मेमोरी कितनी यूज़ हो रही है और कितनी अवेलेबल है, इतनी यूज़ हो रही है और इतनी अवेलेबल है। इससे हम सिस्टम के अंदर जैसे अगर आपको लगता है कि मेमोरी बहुत ज़्यादा 60% के अराउंड यूज़ हो रही है, तो फिर आपको कुछ ना कुछ मेमोरी इसकी रिलीज करानी होगी। और अगर ज़्यादा चल रही है 60% या इससे ज़्यादा, तो आपको प्रोसेस में आके यहाँ पे आपको एक बार क्लिक करना होगा मेमोरी में कौन कौन से प्रोग्राम ज़्यादा चल रहे हैं, तो आप उनको स्टॉप कर सकते हैं। जैसे ये करना चाहें तो इसको स्टॉप कर सकते हैं कुछ, और इसके अलावा जो प्रोग्राम मेमोरी ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं। इसमें क्या होता है कि जो सिस्टम, जो प्रोग्राम्स या जो प्रोसेस जो होते हैं वो अगर विंडोज़ के चल रहे होते हैं तो वो आप इसको डिसेबल करने की कोशिश करोगे तो वो डिसेबल नहीं होंगे। कुछ प्रोग्राम्स जो आपने रन किए होंगे उनको आप डिसेबल करना चाहोगे तो वो डिसेबल हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, या एंड टास्क हो जाएगा उनका। लेकिन सभी प्रोग्राम का आप एंड टास्क नहीं कर सकते, क्योंकि ये सिस्टम के प्रोसेस जो होते हैं वो चल रहे होते हैं। तो आप इसको मेमोरी आप यहाँ से थोड़ा सा रिलीज करा सकते हैं ताकि सिस्टम की परफॉर्मेंस हो जाए। और अगर आप कोई ऐसा प्रोग्राम इसमें नज़र आ रहा है जो आपने जैसे आपने इंस्टॉल नहीं किया और वो रनिंग में है, तो आप उसको सीधा सिस्टम कंट्रोल पैनल से जाके प्रोग्राम्स एंड फीचर्स में जाके आप उसको अनइंस्टॉल कर सकते हैं। जैसे कई बार क्या होता है कि आप कोई छोटा प्रोग्राम सी क्लीनर इंस्टॉल करते हैं तो उसके साथ AVG एंटीवायरस हो गया या कुछ और Avast एंटीवायरस हो गया, उससे क्या होता है कि जब ये सिस्टम में यहाँ पे रन होने शुरू हो जाते हैं तो वो सिस्टम की मेमोरी बहुत ज़्यादा यूज़ करना शुरू कर देते हैं और आपको ऐसा लगेगा कि आपका सिस्टम में पता नहीं क्या प्रॉब्लम हो गया, वायरस आ गया, क्या हुआ। तो सबसे अच्छा ये है कि आप इसको इस तरह से बंद कर सकते हैं, ठीक है। तो अब चलते हैं बाबा अगले टूल पर, इसको आप बंद कर दें और यहाँ से जाएं आप प्रॉपर्टीज़ में जाएं, प्रॉपर्टीज़ में एडवांस सिस्टम सेटिंग्स, एडवांस सिस्टम सेटिंग्स के अंदर एडवांस, ये हो गया परफॉर्मेंस। परफॉर्मेंस के अंदर आप अपने सिस्टम की सेटिंग इस तरह भी कर सकते हैं कि एडजस्ट फॉर बेस्ट परफॉर्मेंस, एडजस्ट फॉर बेस्ट अपीयरेंस। अपीयरेंस के हिसाब से आप चाहते हैं कि अपीयरेंस अच्छी रहे सिस्टम की, तो आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं। यहाँ पे परफॉर्मेंस बेस्ट करने के लिए आप इस पर क्लिक कर रहे हैं और इसको अप्लाई ओके कर दें यहाँ से। और अगर आप चाहते हैं कि अननेसेसरी सारे फीचर्स आप हटाना चाहें तो यहाँ से हटा के भी इसको ओपन ओके करके चला सकते हैं, तो भी चल जाएगा।
तो इसमें क्या होगा, इसके बाद हम क्या करेंगे, एडवांस में जाएंगे। एडवांस में भी इस तरह के फीचर्स होते हैं कि प्रोसेसर जो आपका मेन प्रोसेसर होता है उसकी परफॉर्मेंस किस तरह से आप शेड्यूलिंग कर सकते हैं, प्रोग्राम्स के हिसाब से शेड्यूलिंग करना चाहते हैं, या जो बैकग्राउंड में जो सर्विसेज चलती हैं, जो हमने उसमें देखा था एन टास्क जिसमें हम कर रहे थे, उस तरह की भी आप सेटिंग करके इसमें अप्लाई ओके कर सकते हैं। तो उससे क्या बैकग्राउंड की सर्विसेज आपकी बेस्ट रहेंगी, तो ये भी आप एडजस्ट कर सकते हैं। इसके अलावा हम इसमें एक चीज और कर सकते हैं, यहाँ पे जाइए चेंज में, ये इसमें क्या होता है, विंडोज में एक वर्चुअल मेमोरी होती है। वर्चुअल मेमोरी क्या होता है कि हमारी जो रैम होती है, उसके अलावा विंडोज जो होती है, एक हमारे हार्ड डिस्क की सिस्टम की जो हार्ड डिस्क होती है उसके ऊपर भी एक रैम क्रिएट कर देती है, रैम एरिया, जिसमें बहुत फास्ट स्पीड पे डेटा ट्रांसफर करता रहता है जल्दी जल्दी, जो हमारे सिस्टम को चाहिए होता है एज अ रैम की तरह यूज करता है। तो हम उसको भी इंक्रीज कर सकते हैं, आप यहाँ से इसको हटाएं ऑटोमेटिकली, ये सिस्टम मैनेज है, आप इसको नो पेजिंग करके सेट कर दें, यस कर दें, और इसके बाद डी ड्राइव पे या ई ड्राइव पे जिस पे आपके सिस्टम पे स्पेस ज़्यादा है आप उसको सिलेक्ट करें और कस्टम साइज करें, और आपके सिस्टम में जो रैम हो, जैसे आपके सिस्टम में मान लीजिए 8GB रैम है, तो आप क्या कर सकते हैं उसमें 8GB का हाफ कितना हो गया 4GB, तो 8+4 12GB तक आप इसमें बढ़ा के रख सकते हैं। जैसे अगर आप चाहते हैं अपने सिस्टम की परफॉर्मेंस और इंक्रीज करने के लिए, तो आप उसकी वर्चुअल जो रैम होती है वो आप इंक्रीज कर सकते हैं, 1 MB होता है 1024 MB, तो इंटू 12 कर देंगे अगर आप, तो मैं क्या कर सकता हूँ अपने सिस्टम में, जैसे मेरे सिस्टम में 8GB रैम है, तो मैं इसको 12 2 8 करके 12 2 8 उससे क्या होगा, डी ड्राइव पे एक एरिया बन जाएगा जो इतना यूज करेगा, और वो हर बार इतना रैम की तरह यूज करेगा और सिस्टम की परफॉर्मेंस अपग्रेड अप करने में बहुत सहायता करेगा। ठीक है, इसको हम ओके अप्लाई कर देते हैं, अप्लाई ओके करेंगे, एक बार रीस्टार्ट करने के लिए बोलेगा, उसको बाद में रीस्टार्ट भी कर सकते हैं। तो एक ये हम आज इसमें कर सकते हैं जिससे हमारे सिस्टम की परफॉर्मेंस अच्छी हो जाती है। और ये परफॉर्मेंस आप कर सकते हैं, ये ठीक है। आज की वीडियो थोड़ा लंबी हो गई दो टूल्स में ही क्लियरली समझाने के कारण, पर ये सिस्टम को परफॉर्मेंस आपकी अप करने में बहुत मदद करेगी। और तो एक मैं छोटा सा आपको एक टिप दे देता हूँ आज की वीडियो के बाद, जैसा कि मैंने पहली दोनों तीनों वीडियो में भी किया है, इसमें हम सिस्टम को आप जब भी एक कमांड होती है sysdm.cpl, इसको आप क्लिक करेंगे, ऐसे करेंगे, ओके करेंगे, तो आपको सिस्टम की परफॉर्मेंस, या आप सीधे इसी सिस्टम प्रॉपर्टीज पे जा सकते हैं, यहाँ से इसका शॉर्टकट है, यहाँ पे एडवांस में जाके sysdm.cpl, ये इस तरह से कर सकते हैं sysdm.cpl। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, आज की वीडियो में इतना ही, ओके बाय।